हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी की चटनी। तो उसके लिए हमने लिया एक कटोरी। तो अलसी की चटनी बहुत फ़ायदेमंद होती है, ये ठंडी में होती है, गर्मी में खाएंगे तो ज़्यादा गर्म होती है, जिसे हमारे बिहार में तीसी भी बोला जाता है और हर जगह इसे अलसी बोला जाता है। तो इसके लिए मैंने एक चम्मच इसमें डाला है अलसी, और डालूँगी मैं एक चम्मच और डाला, लगभग लगभग 2 या 3 चम्मच डाल के, जो आपको खानी है परफेक्ट चटनी बनाने के लिए। मैंने इसमें 3 चम्मच डाल दिए। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमने इसको भून के कूट लिए मोमजस्ते में। आप चाहे तो मिक्सी में इसको आप कूटेंगे तो इसका तेल निकल जाएगा, मिक्सी में ये इतनी सूखी सूखी नहीं निकलेगी। तो इसको हम मोमजस्ते में ही कूटेंगे, मिक्सी में आप मत कूटिएगा, क्योंकि ये मिक्सी में मोटी रह जाएगी और इसका तेल भी निकल जाएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए गाइस, ये एकदम सूखी भी अलसी है, इसको हमने भूज के कूटी थी मोमजस्ते में। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, ये मैंने नमक डाला थोड़ा सा स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी इसमें हम सूखी मिर्च भी डाल सकेंगे, हरी मिर्च भी डालेंगे। अब मैंने इसमें डाला प्याज, थोड़ा सा कतरा हुआ प्याज डाला। देखिए, अब मैं इसमें थोड़ी सी डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर। देखिए, हल्का सा तेल डालेंगे, आधा छोटा चम्मच के बराबर, क्योंकि तेल ज़्यादा ना हो जाए इसके लिए। तो ये देखिए, इसमें मैंने अचार का वाला तेल डाला, अचार का मसाला वाला। अब इसमें हम इसको पानी डाल के थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा लगता है, ये अलसी है, ये पानी ज़्यादा सूखती है। तो इसमें हम इसमें पानी डाल के इसको मिलाएंगे। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, अगर आपके आपको दाल पसंद नहीं है, सब्जी पसंद नहीं है, तो आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है खाने में। जैसे बालों के लिए सेहतमंद है, वैसे ये बॉडी के लिए भी बहुत सेहतमंद है। तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी। अब इसमें हम पानी डाल के मिलाएंगे, धीरे धीरे पानी डालेंगे और मिलाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं डाला। देखिए, इसमें जितना पानी डालूंगी उतना ही कम रहेगा। और ये देखिए, पानी डाला था मैंने इतना, फिर इसमें कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी, क्योंकि ये अलसी है, ये पानी थोड़ा ज़्यादा लेती है। अब ये नहीं कि एक ही बार हम सारा पानी डाल दें, इसमें हम पानी डालते जाएंगे। ये देखिए, हमारी रोटी के खाने लायक अलसी की चटनी बनके तैयार है। और गाइस, मैं आपको अलसी की, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अलसी के और भी सब्ज़ी के साथ रेसिपी बताऊंगी आपको। तो ये देखिए, हमारी थी चटनी बनके तैयार हो गई है। आप इसको खिचड़ी में भी डाल के खा सकते हैं। तो देखिए गाइस, इसको आप ठंडी में खाइए, आप इसके साथ जितनी मर्जी जितनी रोटी खाइए, आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी रोटी और अलसी की चटनी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और आपके यहाँ इसको क्या कहा जाता है कमेंट करके वो भी बताइएगा। ये हमारे बिहार में इसको तीसी बोला जाता है, गढ़वाल में और कहीं भी इसको अलसी बोला जाता है। तो देखिए, हमारी अलसी की चटनी रोटी तैयार है, क्योंकि हम बिहारी हैं इसके लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।